हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज गाइस हम आपके लिए रीडिंग लेकर आए, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच क्या चल रहा है अभी। इसमें जैसे हम हमेशा देखते हैं वैसे ही देखेंगे, सबसे पहले आपके लिए गाइडेंस देखेंगे क्योंकि आप मेरी व्यूअर्स, मेरी फैमिली हैं। आपका ख्याल रखना मेरा काम है, जितना आपको हम बता सकते हैं उतना हम कोशिश करेंगे, ठीक है, ताकि आपको सही गाइडेंस मिल सके। फिर देखेंगे आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत ही मज़ेदार रीडिंग होती है, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पर आपके पर्सन आपको लेकर क्या स्टेप लेंगे, क्या नेक्स्ट एक्शन होगा उनका, वो भी हम देखेंगे। तो गाइज़ आप मेरे साथ लास्ट तक बनी रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग रीडिंग होने वाली है और ये ऑल साइन के लिए होती है, ठीक है। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और देखते हैं। और जो भी नए व्यूअर्स मेरी इस रीडिंग तक आए हैं, अगर उन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और ये टाइमलेस रीडिंग होती है, जब भी आपको मिले तभी आप इसको देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में मिरेकुलस चेंज आएंगे। आपके थॉट्स जो हैं एक मैग्नेट की तरह काम कर रहे हैं, बहुत ही पावरफुल हैं। आप जो चाहते हैं वो आप अचीव कर सकते हैं। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपको स्ट्रांग बनना है, अपने पर्पस पर ध्यान देना है, आपके सोल का पर्पस क्या है, और फियर्स को आपको रिलीज करना है और सच बोलना है। सबसे अच्छी बात ये है। दूसरा यहाँ पर कार्ड मिल रहा है कि आपको एंजल से कनेक्ट होना है, आपको यूनिवर्स से कनेक्ट होना है, ठीक है। और जो भी वो आपको बताना चाहते हैं उसको आप उनको देख कर के गाइडेंस के रूप में आगे बढ़िए, ठीक है। जो भी आपको गाइडेंस मिल रही है उसको आप रिसीव करिए और आगे बढ़िए। ट्रस्ट रखिए, जितना आप यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखेंगे, गॉड के ऊपर, एंजल्स के ऊपर, उतना ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, आपकी सिचुएशन जरूर इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट हमारे पास है फॉरगिवनेस, आपको लोगों को माफ़ करते हुए चलना है, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास है हेल्पफुल पीपल, आप लोगों की मदद भी ले सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे मैं उनके सामने जाऊँ जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया है, तो आप किसी की हेल्प ले सकते हैं, आप किसी रिलेटिव्स की हेल्प ले सकते हैं, किसी फ्रेंड्स की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन अपने सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट लेकर आइए, क्योंकि अभी जो है गॉड के ऊपर ट्रस्ट करते हुए, फॉरगिव करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपकी लाइफ में खुशियाँ खुशियाँ आएंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट डेक से देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। विन विन आउटकम आपको देखने को मिलेगा, और पर्सनल इशू हैं वो जो है सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर है कि आपके पार्टनर और आप सेफ हैं। नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं वो ट्विन फ्लेम जर्नी वाले जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके लिए मैसेज बहुत ही पावरफुल है। और अगर आप नहीं भी हैं तो भी एंजल्स अगर आपको ये नंबर दिखाते होंगे तो उनको जो है आप देखिए आपकी लाइफ में क्या कुछ बताना चाहते हैं। ये इस टाइम ये कहा जा रहा है कि 8338 कि आप और आपके ट्विन जो है मिरर कर रहे हैं, जैसा आपकी थॉट होगी वैसे ही उनकी थॉट्स होंगी, ठीक है। यहाँ पर 666 अगर आपको दिखता है तो आपको कहा जा रहा है कि आपके जो पुराने घाव हैं, पुराने जख्म जो आपके अंदर अभी भी हैं, उनको आप दूर करिए, उनको हील करिए। सबसे अच्छी बात है कि आप उनको हील करिए कि ताकि आपको बार बार वो परेशान ना करें, ठीक है। और फिर से आप अपने आप को एक नए तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ा सकें। 234 आपके ट्विन जो हैं वो आपकी एनर्जी से मैच कर रहे हैं, जैसे आपकी एनर्जी है वैसे ही उनकी एनर्जी है, तो जैसा आप सोचेंगे, जैसा आप एक्शन लेंगे वैसा ही वो भी करेंगे। तो यहाँ पर अगर आपको 1818 दिखते हैं तो आप जो चाहते हैं ना वो देखिए, अपने फियर्स को साइड कर दीजिए। इस टाइम जो है आपको बैलेंस बनाकर चलने की जरूरत है। एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, एंजल्स आपको जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आपको, आपके पार्टनर को, तो वो देखिए और आगे बढ़िए। नेक्स्ट है 101, बार बार आ रहा है अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, क्योंकि इस जर्नी में आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी आपके लिए, क्योंकि अगर हेल्थ है तो सब कुछ है, बिना हेल्थ के कुछ भी नहीं कर पाएंगे आप, इसलिए अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए, ठीक है।
चलिए अभी हम देखते हैं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। चलिए देख लेते हैं क्या कार्ड निकल कर आते हैं, फिर हम देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए। ठीक है, तो आप मेरे साथ लास्ट तक बनी रहिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, ठीक है, वरना कोई ना कोई मैसेज आपसे मिस हो सकता है। देखिए बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ कप्स, बहुत पेन की एनर्जी दिखाई दे रही है आपके पर्सन की। देखिए गाइस मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी के कोई भी साइन हो सकते हैं, यहाँ पर सारे साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व जरूर हैं, लेकिन बहुत पेन में है। ठीक है, आप ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। आप इस कार्ड को देखिए, ये कार्ड जो है 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ठीक है, ये कार्ड बताता है कि आपके पर्सन इस टाइम बहुत ज़्यादा बुरी सिचुएशन में है, बहुत ज़्यादा पेन में है, बहुत ज़्यादा उनको दुख हो रहा है। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है इस टाइम हो सकता है कि या तो उनको हेल्थ इशू हो सकती हैं, या थर्ड पार्टी में जब मैंने बताया था कि अभी उनकी जो है बन नहीं रही है, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी हैं और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं अपनी थर्ड पार्टी में। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कर्मा भोग रहे हैं जो उनको मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि थर्ड पार्टी में रहते हुए बहुत ज़्यादा चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो एनालाइज कर चुके हैं। ठीक है, कि सिचुएशन कहाँ क्रिटिकल हुई थी, कहाँ सिचुएशन बिगड़ गई थी, इनके पीछे क्या कारण था, जो चीज़ें बिगड़ी हैं मेरी लाइफ में वो सब कुछ वो जान गए हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि सभी चीज़ों पर उन्होंने फोकस डाला है, ये सब क्यों हुआ मेरी लाइफ में। ठीक है, और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि गाइस की थर्ड पार्टी में रहते हुए आपके पर्सन जो है आपको मैनिफेस्ट तो कर रहे थे कि आपको पाना है, लेकिन एक बार उनका मन कहता था कि नहीं नहीं ये पर्सन तो सही से मेरे साथ चल नहीं सकता है, मेरा जो है रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर सकता है, ऐसा उनका मन बार बार कहता था, लेकिन उनका जो दिल है ना वो आपसे कनेक्ट था। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है गाइस कि वो थर्ड पार्टी में रहते हुए आपके बारे में आने के लिए सोच रहे हैं थर्ड पार्टी में, लेकिन वो होल्ड बैक कर लेते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो आपके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं, लेकिन वो होल्ड बैक कर लेते हैं। यहाँ पर फैमिली की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पर फैमिली जिनकी है थर्ड पार्टी उसकी बात हो रही है, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो आना तो चाहती हैं, लेकिन मुझे कुछ ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं कुछ केसेस में कि किसी को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं मिली है, तो वो अपने फाइनेंस को लेकर के भी बहुत टेंशन में हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए थर्ड पार्टी में किंग ऑफ सोर्ड्स हैं, ये उनके फादर हैं जिनमें ईगो भरी हुई है, ईगोइस्टिक पर्सन है, ये भी कुछ जो है आपके पार्टनर को उल्टा सीधा भरते हैं, उनको गलत गाइडेंस दे रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उनके जो थॉट्स आपके लिए होती हैं वो फिर तुरंत चेंज हो जाती हैं, इन्हीं की वजह से हो रहा है। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इन्हीं की वजह से हो सकता है कि आपके पर्सन जो है वो होल्ड बैक कर लेती हैं, आपकी तरफ आना तो चाहती हैं लेकिन होल्ड बैक कर लेती हैं, वो आपको अपनी लाइफ में पाना तो चाहती हैं लेकिन उनको वो बताते हैं कि ये पार्टनर आपके लिए ठीक नहीं है, ये कल को आपको धक्के मारेगा, ठीक है, आपका पैसा ले लेगा और आपको छोड़ देगा। यहाँ पर ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, सेम सिचुएशन चलती आ रही है कई दिनों से, मैं देख रही हूँ रीडिंग में सेम सिचुएशन चल रही है। यहाँ पर ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी में अभी जो है आपके पर्सन नहीं रहना चाहती हैं, लेकिन ये फादर जो हैं या किसी की मदर भी हो सकती है वो उनको रोक रही है। देखिए एक्शन लेना चाहती हैं आपकी पर्सन जो है, वहाँ से एक्शन लेना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, अपना रास्ता चुनना चाहती हैं। यहाँ पर ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि वो आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन यहाँ पर फिर से जो है आपके पार्टनर को स्टैंड लेने दिया ही नहीं जाता है। ठीक है, यहाँ पर थर्ड पार्टी है वो कह रही है कि तुम सड़क पर आ जाओगे, ध्यान कर लेना, ये मेरी बात को याद रखना, अगर तुम यहाँ से छोड़कर चले गए ना तो तुम्हारा ये हाल होगा जैसे ये लोग जा रहे हैं फटे पुराने कपड़ों में, इस तरह की सिचुएशन तुम्हारी होगी और तुम रोड पर आ जाओगे।
अब आपके पर्सन को मैंने बताया कुछ केसेस में कि आप लोगों के पार्टनर के पास स्टेबिलिटी नहीं है फाइनेंशली, तो इसकी वजह से भी वो थोड़ा सा होल्ड बैक कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन आपके पर्सन को समझ में आ गया है कि आपको कमिटमेंट देना चाहिए मुझे, आपसे एंगेजमेंट मैरिज करनी चाहिए मुझे, ठीक है, आपके प्रति उनका अटैचमेंट अट्रैक्शन बढ़ रहा है ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और गाइज वो आपके साथ में एक नई शुरुआत करने की सोच रहे हैं, लेकिन ये फादर जो है उनको उल्टा सीधा भरते हैं वो, ये किसी की लाइफ में मदर भी हो सकती है, भैया भाभी भी हो सकती है, ननद भी हो सकती है, वो नहीं चाहते कि ये हमारे पास से निकले, हमारे पास से बाहर जाएगा तो फिर उनको कौन पूछने वाला है, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन जो है आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को सही से वो सेटल करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि देखिए द एम्परर, ये एम्परर ही है, और कुछ आपके पार्टनर की ईगो भी हो सकती है, और कुछ यहाँ पर ये जो थर्ड पार्टी है दोनों का रोल हो, यहाँ पर ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि वो आगे तो बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ हैप्पी फैमिली तो बनाना चाहते हैं, लेकिन गाइज मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो थोड़ा सा जो है होल्ड बैक कर लेती हैं, क्योंकि उनकी फैमिली जो है उनको उल्टा सीधा भर रही है, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, इस वजह से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो आपको एक अच्छा पर्सन देखते हैं, आप काफ़ी इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी हैं, इसलिए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी नहीं चाहती कि आप दोनों एक हों और आपकी लाइफ में खुशियाँ आएँ, थर्ड पार्टी नहीं चाहती कि आप मेरे व्यूअर्स को खुशियाँ मिले, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन प्यार बहुत करते हैं लेकिन वो दिखाते नहीं हैं, ठीक है। और देखिए बॉटम ऑफ द डेक है 10 of Pentacles, वो आपको हर खुशी देना चाहते हैं जो आप डिज़र्व करती हैं, अभी फ़िलहाल उनकी एनर्जी इसी प्रकार की है, लेकिन थर्ड पार्टी नहीं चाहती है कि आपको वो सारी खुशियां दे, कहीं ना कहीं जेलसी की भावना आपके खिलाफ है थर्ड पार्टी के माइंड में, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ पर कि आप काफ़ी इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी हैं, आप काफ़ी टैलेंटेड हैं, हो सकता है कि आप जॉब करती हो, आपके पास फाइनेंशियली स्टेबिलिटी भी हो, और आप काफ़ी टैलेंटेड हैं, आप काफ़ी सुंदर हैं, आप चीज़ों को परख लेती हैं, अच्छा क्या है बुरा क्या है, लोगों की थॉट्स क्या कहती है, लोगों के मन में क्या चल रहे हैं, हो सकता है कि आप उनको रीड कर लेती हैं, इसी की वजह से ये जो थर्ड पार्टी है किसी के फादर इन लॉ हो सकते हैं, मदर इन लॉ हो सकती हैं, भैया भाभी ननद हो सकती हैं, तो ये नहीं चाहते कि आपके साथ में हमारा जो बच्चा जाए और आप हमें ही परेशान करें, वो डर रहे हैं, उनको फियर्स हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आपके पार्टनर आपकी तरफ आ जाएंगे तो फिर आप किसको गिनने वाले हैं, किसी को नहीं गिनेंगे, तो थर्ड पार्टी को अपनी ज़िंदगी को लेकर के डर लग रहा है कि अगर ये हमारा बच्चा जो है उसके पास चला जाएगा, ठीक है, तो फिर हमारी जो हालत होगी वो बद से बदतर होगी, क्योंकि जैसे हमने इसको परेशान किया है, यानी कि मेरे व्यूवर्स को परेशान किया है, फिर वो भी कम नहीं रहेंगे, वो भी हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर सकते हैं, इसीलिए जो इनकी फैमिली है वो आगे बढ़ने नहीं देना चाहती आपके पार्टनर को, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वो माइंड गेम खेल रही है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन को बहला फुसला करके और प्यार दिखा करके, प्यार जता करके आपके खिलाफ जो है उल्टा सीधा उनको भरते हैं, और इसकी वजह से आपके पर्सन भी उनकी बातों में आ जाते हैं, उनके लालच में आ जाते हैं, इसी वजह से आपके पर्सन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि बार बार उनको एहसास कराया जाता है कि तुम रोड पर आ जाओगे, सड़क पर आ जाओगे, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आपके पास नहीं होगी तो कैसे ज़िंदगी चलाओगे तुम अपनी, ठीक है, अब तो हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको सब कुछ दे रहे हैं, आपको प्यार दे रहे हैं, परिवार दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, ठीक है, रहने के लिए घर दे रहे हैं, खाने के लिए रोटी दे रहे हैं, तो गाइस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अभी आपके पार्टनर की एनर्जी इसी टाइप की चल रही है और वो चेंज आने नहीं देना चाहती थर्ड पार्टी, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन तो आपके साथ में हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं, आपके साथ एंगेजमेंट मैरिज करना चाहती हैं, आपके साथ में एक नई शुरुआत करना चाहती हैं, लेकिन थर्ड पार्टी जो है बार बार यही एहसास करा रही है कि तुम सड़क पर आ जाओगे, ठीक है, तो वो भी माइंड गेम खेल रही है, ठीक है। चलिए अभी हम देखते हैं आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। बॉटम डेक है 5 of Pentacles। देखिए एकदम एक्यूरेट रीडिंग बताई है मैंने, जो बताई है कि इनकी फैमिली ये दिखाती है कि आप सड़क पर आ जाओगे, रोड पे आ जाओगे, तुम्हारे मुंह पर दरवाज़ा बंद कर देंगे तुम्हारे पार्टनर, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो गाइस मैंने जो थर्ड पार्टी की रीडिंग देखी थी एकदम करेक्ट यहाँ पर कार्ड बता रहे हैं, तो आपके पर्सन जो है असमंजस की स्थिति में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पहले मैं बताना चाहती हूँ उनके जो है साइन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन उनके चार्ट में, हो सकता है एरीज लियो सजिटेरियस भी हो, पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो भी हो सकता है, और यहाँ पर टॉरस और कैप्रिकॉर्न सारे ही साइन हैं
12 की 12 राशि है। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन की रातों की नींद हराम हो रही है, वो सोच कर परेशान हो रहे हैं कि मुझे डिसीजन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, मुझे अपने पार्टनर की तरफ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। उनके थॉट्स जो हैं वो टकरा रहे हैं आपस में और वो असमंजस की स्थिति में है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। काफ़ी इमोशनल भी हो रहे हैं ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। लेकिन उनको बार बार एहसास कराया जाता है कि आप सड़क पर आ जाएंगे, आपके मुँह पर दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा। आपके पर्सन इस टावर इंटरवेंशन को लेकर के बहुत डर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि मैं पास आने से पहले अगर सेपरेट हो गया तो फिर क्या करूंगा, यानी कि हमारी जो है रीयूनियन होने से पहले, रिकंसिलेशन होने से पहले अगर हम बातों में ही सेपरेट फिर से हो गए तो फिर क्या करेंगे, यानी कि हमारी लाइफ में टावर आ गया तो फिर क्या होगा, अगर मेरे पार्टनर के साथ में हमारा झगड़ा हो गया तो फिर क्या होगा। वो इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा फियर में हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि वो आगे बढ़ना तो चाहती हैं, अपनी लाइफ में नई शुरुआत तो करना चाहते हैं, लेकिन जो है वो सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा थिंकिंग चल रही है उनके माइंड में कि ये सब क्या हो रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है उनको अपनी सिचुएशन पर, बहुत मतलब रोना आ रहा है ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो बहुत ज़्यादा उदास खड़े हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं। वो आपके साथ में एक नई शुरुआत करना भी चाहते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इस टावर की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि टावर आ गया तो फिर मैं क्या करूँगा, ठीक है, तो वो शुरुआत करने की सोच रहे हैं जिसमें ग्रोथ और स्टेबिलिटी हो, लेकिन उनको टावर का डर लग रहा है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि टावर इंटरवेंशन का उनको बहुत ज़्यादा खतरा दिखाई दे रहा है और ये टावर आ गया तो हम पास आने से पहले ही दूर हो जाएंगे ऐसा वो सोच रहे हैं। इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा सोच रही हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में है, रातों को सो नहीं पा रही हैं, आपसे रिकंसिलेशन करना चाहती है, पास्ट की मेमोरीज उनको बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं, आपके साथ बिताई वो हर पल याद आ रही हैं, लेकिन अभी वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मेरे फादर मदर जो भी कहती है ना वो सही कहते होंगे, कभी फिर से टावर आ गया तो फिर क्या होगा, फिर मैं सेपरेट हो जाऊँगा, पास आने से पहले ही दूर हो जाऊँगा, इसलिए वो डर रहे हैं। यहाँ पर वो उनको कभी कभी तो मन करता है कि जैसे मैं जाकर के फटाफट उनसे बात करूँ, उनसे क्लियरिटी लूँ, ठीक है आप क्या चाहते हो, मैं ये चाहता हूँ, हम आगे बढ़े अपनी लाइफ में, और दूसरे ही पल वो होल्ड बैक कर लेती हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन एंजल्स उनको कह रहे हैं कि भाई आगे बढ़िए, एंजल्स उनको सपोर्ट कर रहे हैं, एंजल्स जो हैं बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये सूर्योदय उनकी लाइफ में होगा ऐसा वो कह रहे हैं कि आप टेंशन ना लें, आप आगे बढ़ें, आपकी लाइफ में ग्रोथ ही ग्रोथ होगी, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन काफ़ी स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, काफ़ी स्पिरिचुअल हो रहे हैं और अकेले टाइम स्पेंड करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इस टाइम जो है बहुत ज़्यादा बर्डन में भी हैं और क्योंकि उनके आसपास इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी है, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी है कि वो समझ नहीं पा रहे कौन सही है कौन गलत है। मैं खुद भी सोच रहा हूँ, वो सही भी सोच रहा हूँ कि गलत सोच रहा हूँ, या मेरी फैमिली जो है मुझे जो गाइडेंस दे रही है क्या वो सही है, उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि हर टाइम जो उस नेगेटिविटी से घिरे रहते हैं, इसी वजह से उनके माइंड में नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं। वो आपको मैनिफेस्ट तो करते हैं, वो आपको पाना तो चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा भरी हुई है कि वो आपके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर ट्रस्ट इशू भी हो रहे हैं कि आप उनके साथ में आगे बढ़ पाएंगे कि नहीं बढ़ पाएंगे, कभी फिर से टावर आ गया, कभी हमारी बीच में बहुत ज़्यादा जो है दूरी आ गई तो फिर क्या होगा। वो आपको बहुत ज़्यादा जो है नर्चरिंग केयरिंग पर्सनैलिटी देखते हैं, आप के पास में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है ऐसा भी देखते हैं, आप काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, आप अपने आप पर फोकस्ड रहते हैं, आप अकेले रहना पसंद कर रहे हैं और उनको डर लग रहा है कि ये पर्सन कहीं मेरे हाथ से निकल गया तो फिर क्या होगा। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि वो आपको लेकर के बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आप भी उनको स्पाई करते हैं और वो भी आपको स्पाई करते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। यहाँ पर थोड़ी सी ईगो भी है और कुछ यहाँ पर किसी के फादर भी हो सकते हैं जो नहीं चाहते कि आप बात करें, क्योंकि यहाँ पर इसके जस्ट नीचे ही किंग ऑफ मेंट्स का कार्ड है, ये बताता है कि ये इनके फादर जो हैं वो नहीं चाहते कि आप दोनों में बातचीत हो, आप कभी बातचीत करें, आप दोनों कभी पास आएं, ऐसा कभी भी नहीं चाहते हैं ये। इनके अंदर इतनी ईगो भरी है कि ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपकी लाइफ में खुशी आएं, क्योंकि किंग ऑफ फ्रेंड्स का कार्ड ये बताता है कि आप दोनों में बातचीत नहीं हो रही है और ये फादर जो हैं ये नहीं चाहते कि आप लोगों में कभी भी बातचीत हो, ठीक है, कभी भी आप पास आएं ऐसा नहीं चाहते, क्योंकि मैंने बताया कि इनके हाथ से इनका बच्चा निकल जाएगा तो फिर इनके आगे पीछे घूमने वाला कौन रहेगा, इनकी बातों को कौन तवज्जो देगा, ठीक है। इसकी वजह से ये इनके फादर या मदर जो भी हो सकते हैं आपकी लाइफ में, ये नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में खुशी आए, आप कभी खुश रहें, आप कभी बातचीत करें ठीक से, क्योंकि इनको तो खुशी तभी मिलती है जब आप लोग सेपरेट रहते हैं, आप लोग बात नहीं करते हैं, आप एक दूसरे को टॉर्चर करते हैं बातों में, तो इनको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है और ये चाहते भी यही हैं, ठीक है। तो गाइस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन तो आने की सोच रहे हैं लेकिन थर्ड पार्टी जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है।
आपके पर्सन जो है आपके साथ में नई शुरुआत करने की सोच रहे हैं, लेकिन थर्ड पार्टी जो है उनका ब्रेन वॉश करने में लगी हुई है। तो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप गाइज रीडिंग आपको रेजोनेट हुई, रेजोनेट तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।